भैया आया भैया कौन आया पावर स्टार जो कि भोजपुरी के सिंगर है सिंगर हम लोग एक घंटे से देखने के लिए खड़े कितना देर से खड़े एक घंटे से खड़े आप आएंगे पर हार है बहुत हम लोग को खुशी है जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ हमारी ये लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम है जो मैं बहुत लक्की हूँ जी कौन सी कुछ देखने के बाद में पूरा लक्की मैं मौजूद हूँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के नासिकगंज प्रखंड के जोगिया बाबा के समीप यानी कि धरा गांव के समीप वहां के कार्यकर्ताओं ने पवन सिंह पावर स्टार को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। आप देख सकते हैं किस तरह से पवन सिंह पावर स्टार को वहां के कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर जुनून देखा गया। काफ़ी महिलाएँ थीं, काफ़ी लोग थे और कड़ी धूप के बीच सभी लोग डटे हुए थे। देख सकते हैं पवन सिंह को एक झलक पाने की। मैं मौजूद हूँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के धनाव गांव के समीप जोगिया बाबा तौर और अभी 12:30 बज रहा है। देख सकते हैं कि कड़ी धूप है यहाँ पर। बहुत ही जल्द पवन सिंह आएंगे क्योंकि यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कितना जुनून है, या महिला बोले या जेंट्स बोले, तपती धूप में लोग आए हुए हैं कहीं पवन सिंह को देखने के लिए, पवन सिंह को सपोर्ट करने के लिए। क्या नाम हुआ? बीटू कुमार। यहाँ से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग कितना उनको सपोर्ट करते हैं? एकदम फुल सपोर्ट है। आपके बाद पावर स्टार सब जगह दल दल पौने भैया जी कैची छप सब जगह दल दल बाकी निर्दलीय सबसे अच्छा। मैं मौजूद हूँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जोगिया बाबा के यानी धराव गांव के समीप और एक बजरा देख सकते हैं तमाम यहाँ पर भीड़ है। पवन सिंह को चाहने वाला, पवन सिंह को देखने वाला आज बात करेंगे कि लोग कितना काराकाट से जनता से प्यार मिल रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद रुपेंटर। कितना सपोर्ट मिल रहा है जनता को काराकाट? काराकाट में ज्यादा पवन जी का मिल रहा है जी। क्या जीतेंगे? इसलिए कि कुशवाहा जी 5-15 साल रहे हैं मगर कुछ किए नहीं, तो हम लोग 15 साल खाली सीट का बात होता है, विकास नहीं होता है। इस बार हम लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं कि जो पवन जी आए हैं उनको भारी मतों से जिताएंगे और अपने बिहार में काराकाट विधानसभा में हम लोग विकास से काम कराएंगे। क्या होगा उनका पहला प्रतिमा जीतने के बाद? किस तरह के जो भी विकास का मुद्दा होगा पहला प्राथमिकता उनका होगा। और भी लोग हैं जानेंगे और समझेंगे। सर क्या नाम हुआ? वीरेंद्र सिंह नाम हुआ हमारा। काराकाट से पवन सिंह को कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप सभी के सामने सपोर्ट दिख रहा है इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, जहाँ लोग घर से किसी काम के लिए ना निकलना चाहते हैं वहाँ पवन को आशीर्वाद देने के लोग खड़े हैं। अभी आप जिस जगह पर खड़े हैं ये बिरजामन है यानी कि जादव बहुल इलाका है, यहाँ से कितना पवन सिंह को सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट सामने दिख रहा है आप लोगों के, सभी माताएं बहने बच्चे बुजुर्ग सभी लोगों का आशीर्वाद है, सभी लोग का साथ है। पवन जी बस 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं। आप जिस जगह पर खड़े हैं नासिकगंज प्रखंड, यहाँ पर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, क्या पवन सिंह जीतने के बाद सरकारी कॉलेज लगवाएंगे? देखिए आप इसी क्षेत्र की बात ना करें, पूरे काराकाट लोकसभा में एक भी अच्छी कॉलेज नहीं है, एक भी अच्छा स्कूल नहीं है, एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है। आप लोग की लड़ाई किससे है? राजा राम या उपेंद्र कुशवाहा से? लड़ाई हमारी किसी से नहीं है जी, हमसे बाकी लोगों के। आपसे और भी लोग हैं, बात करेंगे और जानेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन प्रताप सिंह है, मैं नोखा विधानसभा का चुनाव प्रभारी हूँ। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप लोगों को कितना प्यार मिल रहा पवन सिंह को? आप इस भीड़ को देख रहे होंगे 42 डिग्री के टेम्परेचर में, यहाँ अभी 1 बजने वाला है, लोगों में और मताओं में कितना उत्साह है। इस चंद्रलाल की दोपहरी में कोई घर से निकलना नहीं चाहता है, इसके बावजूद इतना जो जन समर्थन और अपार प्यार पवन सिंह को मिल रहा है, तो आप और जितने भी राजनीतिक पंडित हैं हवा के रुख कर रहे हैं। दूर दूर तक हमारे पीछे कोई लड़ाई में नहीं है, सभी लोग 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं और खास करके एनडीए प्रत्याशी को अपने जमानत की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि जाति के मुद्दा पर वोट होता है, लेकिन पवन सिंह तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ देख लीजिए ना, ये वृंदावन है, ये वृंदावन कहा जाता है धनाव का क्षेत्र, ये जादवों का गढ़ है, बहुल इलाका। हाँ, ये जादव भी बहुल इलाके में, ये महिलाएं चिल्लाती धूप में कहाँ से आ गई? अगर जातीय समीकरण पे वोट होता तो ये सारे जादव महिलाएं हैं, तो इनके आने से आपको और राजनीतिक पंडितों को समझ में आ जाना चाहिए कि हवा का रुख क्या है। और आप लोग को जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र, यहाँ से 50-60% युवा, कितना युवा से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? देखिए जैसा कि विपक्षी दलों ने कहा है,
के ये जो जुआ है लपुए है, वो एक तरह से हमारे यहाँ लपुआ गाली बोला जाता है। एक तरफ मोदी जी बात करते हैं कि देश में 64 करोड़ युवा है जो कि राष्ट्र की शक्ति है, और दूसरी तरफ उनके प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के भी प्रत्याशी बोले कि लपुए है, ये लपुए अपना उपाध दिखाएंगे और वोट का ऐसे जोरदार तमाचा मारेंगे कि ये दोनों प्रत्याशी पुनः काराकाट को नजर करके नहीं देखेंगे। क्या नाम हुआ? चंदन प्रताप सिंह। और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? राजू। कहाँ घर हुआ आपका? कौन सिंह को यहाँ से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से कितना प्यार मिल रहा है? क्या चुनाव जीतने में बहुत ज्यादा जितना ज्यादा हम लोग सोचे नहीं थे उससे 100% ज्यादा प्यार मिल रहा है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, और यहाँ से बिजली होने जा रहे हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए, एक बज रहा है दिन लेकिन कड़ी धूप के बावजूद भी किस तरह से महिलाएं पवन सिंह को देखने के लिए बोले या पवन सिंह को सपोर्ट करने के लिए बोले, किस तरह से कड़ी धूप में लोग खड़ी हैं एक झलक पाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कितना देर में पवन सिंह आए यहाँ पे? 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट में यहाँ पहुँचने। और देखिए पंडाल में तमाम भीड़ है क्योंकि धनाव एक गाँव है, गाँव से बिलोंग करता है। क्या नाम हुआ? अर्जुन कुमार। कितना प्यार मिला इस धनाव गाँव से क्योंकि आप ही के गाँव में धनाव के समीप जोगिया बाबा पवन सिंह आ रहे हैं? पवन सिंह को बहुत प्यार है, लगभग 3.5 लाख से आगे निकलेंगे। 3.5 लाख? हाँ। देखिए इन्होंने बहुत बड़ी दावा किया है कि 3.5 लाख वोट से पवन सिंह जीतेंगे। पवन सिंह के साथ पूरा जनता है। कंफर्म दावा कैसे कर रहे? हमको राजाराम जी बेटा एलवा, घर के बेटा एलवा, सब लोग घर के बेटा के स्वागत करी तहे दिल से। बहुत लोग के आदमी देखलान, बहुत लोग जीतलान, बहुत लोग मेहनत कर रहे पवन सिंह। पवन सिंह के लिए दिन रात मेहनत। भैया हम रांची से आए हैं जी, पवन सिंह के लिए छुट्टी लेके 1 महीने का छुट्टी लेके आए हैं पवन सिंह के लिए। पवन सिंह को जीताना है, घर का बेटा है। मेरा नाम चंदन तिवारी हुआ, मैं पिपरडी रहता हूँ, ग्राम पिपरडी जी। भैया और बताओ जाते ही बीच में हमारे भाई रहे पवन सिंह भैया खाती, तहे दिल से पवन भैया के स्वागत बा और तहे दिल से अभिनंदन बा पवन भैया के जीता। क्या चाची पवन सिंह आओ मालूम है? हाँ। वोट दिया है पवन सिंह के? हाँ। कितना देर से दिया बा? अगर आपको हमारी आवाज पहुंच रही है तो पवन सिंह आ रहे हैं। पवन सिंह आ रहे, कितना खुशी है देखने के लिए? बहुत खुशी है भैया। पावर स्टार जो कि भोजपुरी के सिंगर है, सिंगर हम लोग 1 घंटे से देखने के लिए खड़े। कितना देर से खड़े? 1 घंटे से खड़े। अब आएंगे, अब आएंगे, पर हार है। बहुत हम लोग को खुशी है, जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। हमारी ये लाइफ टाइम में फर्स्ट टाइम है जो मैं बहुत लकी हूँ जी। पवन सिंह को देखने के बाद मैं पूरा लकी होते बाहो। 50 लाख भी गया इनका, बहुत बाहर से बात करेगा के देख रेख कर तो चल कृपया शांति बनाए रखे। मैग के छोटा मैग ला।